एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोसेंस। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं नोकिया प्योर बॉक्स X14 का, एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो। सो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार के बॉक्स में रिसीव होता है। इसमें आपको मिल जाता है इंटेल कोर i5। ये है हमारे पास 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 लैपटॉप। इसमें है हमारे पास विंडोज 10। ये है 1.4 KG अल्ट्रा लाइट, 512 GB का SSD मिल जाता है, 8 GB DDR4 SD LCD डिस्प्ले हमें मिल जाता है, 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, कहता है टॉप फायरिंग स्पीकर्स। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का बॉक्स हमें रिसीव होता है। ये है हमारे पास इस डब्बे की बैक साइड। प्राइस है इसका 82,990 रुपये, लेकिन ऑनलाइन ये आपको 30,000 से 32,000 में आराम से मिल जाएगा। वेट है इसका 1.4 KG और कंट्री ऑफ ओरिजिन है हमारे पास चाइना। तो चलिए फटाफट से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या रिसीव हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मिला है एक लैपटॉप। सो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार का लैपटॉप रिसीव होता है। ये काफी लाइट वेट है, यदि आप कहीं ट्रेवल पर जा रहे हैं तो इस लैपटॉप को आसानी से कैरी कर सकते हैं। ये है हमारे पास लैपटॉप की बैक साइड। इसके साथ ही हमें मिलता है USB Type-C to Type-A कन्वर्टर। इसके साथ हमें मिलता है यूजर गाइड, जो कि काफी यूजफुल रहेगा आपको। और इस प्रकार का एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपको मिल जाता है पावर एडेप्टर एंड पावर कोर्ड। सो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पावर एडेप्टर है और इस प्रकार की हमें कोर्ड मिल जाती है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। ये जो छोटी सी पिन है वो आपकी लगेगी लैपटॉप में, जिससे आपका लैपटॉप चार्ज होगा। ये है हमारे पास लैपटॉप की फ्रंट साइड। लैपटॉप काफी लाइट वेट है, आप इसे एक हाथ से आराम से उठा सकते हैं, प्लस ये काफी ट्रेवल फ्रेंडली है। ये है हमारे पास लैपटॉप की बैक साइड। ये जो आपको जाली से दिखाई दे रही है वो है वेंट्स। इसमें है थर्मल वेंट्स जो डिजाइन किए जाते हैं इंटरनल कंपाउंड को कूल करने के लिए तथा लैपटॉप को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए। ये है हमारे पास SSD कवर। इस कवर को ओपन करके आप SSD को इंस्टॉल एंड रिमूव कर सकते हैं। सो बिग थम्स अप फॉर दिस। लैपटॉप की एक साइड में सबसे पहले हमें मिल जाता है ऑडियो जैक। इसमें आप स्पीकर्स, हेडफोन और माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास USB पोर्ट। इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं USB 3.0 डिवाइसेस, जैसे USB जिप ड्राइव। आप इसमें कीबोर्ड और माउस को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेसी शटर इंडिकेटर फॉर कैमरा एंड माइक्रोफोन। जब प्राइवेसी शटर टर्न ऑन होता है तो इंडिकेटर लाइट ग्लो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेसी शटर फॉर कैमरा एंड माइक्रोफोन। इससे आप कैमरा एंड माइक्रोफोन को ओपन और क्लोज कर सकते हैं स्विच को स्लाइड करके। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारे पास लैपटॉप आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास चार्जिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर लाइट टर्न ऑन रहती है जब इसमें AC अडेप्टर कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास DC इन जैक। AC अडेप्टर इस सॉकेट में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास HDMI पोर्ट। इससे आप स्क्रीन और होम थिएटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास USB Type-C। तो यदि आपके पास में Type-C केबल है तो आप उससे अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास TF कार्ड स्लॉट। इसमें आप TF कार्ड यानी मेमोरी कार्ड डालकर मेमोरी एक्सटेंशन कर सकते हैं लैपटॉप की। सो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लैपटॉप हमें मिल जाता है। ये है हमारे पास लैपटॉप का कीबोर्ड। इसमें हमें कीबोर्ड में ऊपर की तरफ स्पीकर्स मिल जाता है जिससे आवाज काफी अच्छी आ जाती है। ये है हमारे पास पावर बटन। ये है हमारे पास कैप्स लॉक और ये है हमारे पास माउस पैड इंटेल कोर i5।
ये है हमारे पास कैमरा और इसके जो पास वाला छोटा सा बिंदु है ये है हमारे पास कैमरा स्टेटस एलईडी। एलईडी शोज द कैमरा स्टेटस। और ये जो दो हमारे पास छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं आपको वो है हमारे पास माइक्रोफोन। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लैपटॉप है हमारे पास में, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये हमें लैपटॉप मिल जाता है। चलिए देखते हैं प्राइवेसी शटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्राइवेसी शटर ऑन कर दिया है, फिर हम जाएंगे अपने लैपटॉप के कैमरा में। यहाँ पर आप सर्च करेंगे कैमरा और ये हमने पहले से सर्च कर रखा है, नहीं तो आपको वापस वैसा ही दिखाई दे जाएगा ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं वी कांट फाइंड योर कैमरा, यानी कि आपका कैमरा ओपन ही नहीं होगा। अब हम प्राइवेसी शटर को ऑफ कर देते हैं, फिर वापस हम जाएंगे अपने लैपटॉप के कैमरा में। जब आप कैमरा ऑन करते हैं लैपटॉप को तो आप देख सकते हैं कैमरे के पास वाली लाइट ऑन हो जाती है एकदम। आप देख सकते हैं हल्की सी लाइट आप देख सकते हैं ऑन हो चुकी है, इससे पता चलता है कि हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। इसमें हमें मिल जाता है 1 MP कैमरा। कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा बढ़िया है और ना ही ज़्यादा घटिया है, बीच बीच की है, नॉर्मल क्वालिटी है। इसमें आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब हमारा लैपटॉप चार्ज पर लगाया होता है तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की लाइट शो होती है। तो यहाँ पर आप रेड लाइट देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा लैपटॉप चार्ज हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाई टेक्नो सेंस।